মানুষের পাশে দাঁড়াতে ও তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পথ চলা শুরু হয়েছিল ফিউচার হোপ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে এক এনজিওর। কখনও শীতার্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ, আবার কখনও দুস্থদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া। রবিবার কলকাতার বেগবাগান রোতে প্রায় 300 মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করে। এদিন খাদ্য সামগ্রী হিসেবে চাল ও ডাল বিতরণ করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি শাহিন আরিফ, সম্পাদক তথা ফাউন্ডার মোহাম্মদ নওসাদ আলম, কোষাধ্যক্ষ সারিয়া আহমেদ, চেয়ারপারসন নীলুফার, মোহাম্মদ নাভেদ সহ অন্যান্যরা। इसका फाउंडेशन 31 दिसंबर 1991 से हुआ। इसके पहले हम लोग एरीपुकुर में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, कम से कम 500 डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, तो वो मीडिया कवर किया कर चुका है। और अभी हम लोग ये सोच रहे हैं अतुल जी की मदद से हम लोग हर हफ्ते राशन बांटने का काम शुरू कर रहे हैं, आज से स्टार्ट किए हैं, इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं। और ये अतुल जी हैं, आज 200 आदमी से स्टार्ट किया है। इन फ्यूचर जैसे जैसे हम लोग के पास डोनेट करने वाला ज़्यादा होंगे, उसी तरह से हम लोगों के पास में भी 500 गरीब मेंबर हैं, औरतें सब हैं, तो उन लोगों को पूरा पढ़ाई से ले के हेल्थ तक का मतलब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, जहाँ तक हम लोग कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे अतुल जी हैं, इनके तरह और भी नेक बंदे हैं जो गरीबों का हमदर्द हैं, तो वो लोग जो हैं हम लोगों को ऐड देंगे, हम लोग गरीबों तक पहुंचाने का काम मीडिएटर के तौर पर करेंगे। দেখো, আমাকে আমি সবথেকে আগে নমস্কার করে জানাই আপনাদের ভালো মিডিয়াকে, যারা এই রকম কাজের জন্যে সবসময় এগিয়ে থাকে। আর আমি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের ফিউচার ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে। এটা একটা নতুন চালু হয়েছে, কিন্তু এদের চেষ্টা আছে যে মানুষের যারা নিডি পিপল তাদের কাছে সঠিক জিনিসটা আমরা করতে পারি। তাহলে আগেও তুমি এসেছিলে আমাদের সঙ্গে, কাল দেখেছিল বিভিন্ন হাজারের ব্ল্যাঙ্কেট বা শল ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছিল, তাতে আমাদের কাউন্সিলর ছিলেন আমাদের সঙ্গে রামদা, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস অনেকগুলো প্রার্থীও ছিলেন, আর ওই দিকে বহু মানুষ ছিল। আজকে আবার আমাদের নওসাদ সেক্রেটারি, উনি আমাকে কল করেছিলেন যে আজকে একটা ছোট্ট করে আমরা প্রোগ্রাম করব, সেই প্রোগ্রামটা মানুষের জন্য ডাল আর চাল। আজকে লিয়ে স্টার্ট কিয়ে হ্যাঁ হমলোক কা ইয়ে সোসাইটি, তো হমলোক মিলকে কাম করনা হ্যাঁ একসাথ মে, ওই এক স্টেপ লিয়ে হ্যাঁ সব সাথ রয়েগা, তো আগে ইনশাআল্লাহ হমলোক আর ভি আগে কাম করেঙ্গে। হমলোক কা বস আগে সোসাইটি কো বড়ানা অল ওভার ক্যালকাটা মে, নওসাদ ভাই কে সাথ হমলোক কা সব লেডিজ টিম কে সাথ और भी मेंबर्स हैं हम लोग का, जितना आप लोग प्रमोट करिएगा, मीडिया प्रमोट करेगा, तो हम लोग को भी हेल्प मिलेगा आगे हम लोग का सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्थ एंड एडुकेशन और नीडी पीपल का हेल्प करने के लिए। देखिए, सभी अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसमें मैसेज क्या देना, हम लोग जो करेंगे उससे ही मैसेज पहुंचेगा। हम लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर कर सके और अदर्स एनजीओ से आइडियाज़ भी ले सके, क्योंकि हम लोग न्यूली है इसमें, लेकिन मन में जो जज्बा है वो ये है कि गरीबों को हेल्प कैसे किया जाए। जब हम लोगों ने स्टार्ट करा तब पता नहीं था कि इतनी सारी लेडीज़ हमसे जुड़ जाएंगी, सोचा ही नहीं था, लेकिन अपने आप ही और बहुत है जो जुड़ना चाहती हैं, सो अभी तक हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो बहुत ज़रूरतमंद है, स्पेशली ज़्यादातर विडोज़ औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, मोस्टली वो हैं। तो जैसे जैसे हम लोग चाहेंगे कि बेहतर हो, अब
हेल्प करने के लिए हम लोग हैं, और जैसे जैसे आगे हेल्पर मिलते रहेंगे हम लोग इस चीज़ को बढ़ाएंगे। बहुत सी फैमिली है अभी लॉकडाउन में, सोचिए उनके घर में रोजी रोटी का कोई इनकमिंग जरिया है नहीं, तो वो यहाँ पे हम लोग जो बच्चे लोग को वो एडुकेशन के मामले में रखे हैं ट्यूशन के लिए रीऑर्गेनाइजेशन, उसमें गरीब बच्चे आएंगे, गरीब बच्चे आके यहाँ तालीम हासिल करेंगे, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, तो यहाँ टीचर्स टाइम देंगे क्लास 1 to 10 हम लोग टाइम दे रहे हैं इसके लिए। ये देखिए मैं तो ये 3 साल से कर रहा हूँ और लोगों का से बहुत मदद होता है कि ये दाल चावल देने से इन लोगों का रोज का जो खाने पीने का मामला है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये हम लोग 2018 से कर रहे हैं और इस एरिया में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, तो ये दाल चावल देने से लोगों को बहुत हेल्प होता है। नहीं देखिए सब जगह तो हम लोग अकेला कहाँ से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 200-250 आदमी को जो देते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं लेने के लिए। अगर हम लोग 1 बजे करते हैं यहाँ पे लोग 9-9 बजे से आके लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी दूर ट्रेन से भी लोग आते हैं, काफ़ी यहाँ के अगल बगल के बहुत एरिया से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है खाली यही एरिया के लोग हैं, तो 200-250 आदमी के लिए काफ़ी कुछ एरिया से कुछ कवर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवेद है। आज मैं फ्यूचर वेलफेयर सोसाइटी के जानिब में आज इनवाइट किए थे, वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे 9-7 भाई हैं जो फ्यूचर वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है हमारी साइन मैडम है, और ट्रेजर शाजिया है, नीलूफर इंसा जी जो तारुक के मोहताज नहीं है, पूरे मगरिब बंगाल में उनको जाना जाता है उसके काम से, और वो चेयर पर्सन है। तो आज मुझे बहुत खुशी की बात है, तहे दिल से मैं इन लोग को तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ, 9-7 भाई को, साइन बहन को, और टेजर को, रशीदा, जितने भी तारे टीम है सबको, इन लोग को जो, और इन लोग के संग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इन लोग को जो भी है लोग अपना कोशिश करेंगे इरादा करेंगे कि जो भी गरीब को जो भी ज़रूरत हो उसको ज़रूरत को पूरा करेंगे।